राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक मशाल यात्रा शनिवार को डीडवाना पहुंची, जहां क्षेत्रीय विधायक चेतन सिंह डूडी ने सभी का स्वागत किया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी कार्तिकेय मीणा और नागौर जिला फुटबॉल संघ और बास्केटबॉल संघ सहित मौजूद खिलाड़ियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। नागौर रोड स्थित विधायक आवास पर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। डूडी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दूरदृष्टि का ही परिणाम है कि अब प्रदेश के गांव डानी से वंचित और अभावग्रस्त खिलाड़ी निकलकर बाहर आ रहे हैं। मशाल यात्रा के नागौर जिला प्रभारी श्याम गिंडाला ने कहा कि खिलाड़ियों के प्रति सरकार का यह कदम आने वाले समय में अच्छे परिणाम देगा। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक यात्रा को स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 29 मई को सवाई मानसिंह स्टेडियम से रवाना किया था। ओलंपिक जो शुरू होने वाले हैं उसकी जो प्रचार प्रसार के लिए जो यात्रा है वो आज हिरोना पहुंची है, क्या कहेंगे पूरे प्रकरण? ये निश्चित ही देखिए राजस्थान सरकार का ये मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पहले बार ऐसा ग्रामीण एक सब क्षेत्र को जोड़ने के लिए, अभी इसके अंदर गेम सिर्फ 6 एलोट किया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो गेम 6 है ये पूरा ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, एक नई चीज़ आयाम, एक नया एक स्पोर्ट्स के लिए अच्छा मिलेगा, जिसके लिए मैं खेल मंत्री जी का, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि ऐसे खिलाड़ियों को आगे से आगे अवसर दे, इसके लिए धन्यवाद, क्योंकि अभी इन्होंने 2% कोटा भी कर दिया, इसके लिए भी मैं एक खिलाड़ी होने के नाते ही उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने खेल को बढ़ाने के लिए जो ये काम किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र। ये यात्रा कब से शुरू हुई और कहाँ तक इसका रूट रहेगा? ये हमारे राजस्थान में मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी के द्वारा 29 मई 2022 को जयपुर के SMS स्टेडियम से शुरू की गई और पूरे राजस्थान के जितने भी ज़िले हैं मुख्य रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण जो प्रतिभाएं है उनको आगे लाने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। खूब यहाँ पर मान सम्मान मिला, खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन देखने को मिला और ऐसी संभावना है कि जो 29 अगस्त से ओलंपिक खेल स्टार्ट हो रहे हैं उसमें हमारे राजस्थान के खिलाड़ी नए नए उभर कर आएंगे, सभी के लिए ये बहुत अच्छी बात है। मैं भी एक खिलाड़ी हूँ, कोच हूँ, इसके लिए राजस्थान सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि ऐसे आयोजन होने चाहिए जिससे खिलाड़ियों को आगे आने का मौका मिले। ओके।